सीएम योगी ने ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं से संवाद किया, जिसको लेकर सीएम योगी की तारीफ करते हुए यूपी के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि जो बातें हमारे प्रदेश की मुखिया ने रखी है उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम सबका साथ सबका विकास क्या होता है इस मंच से हमने सबको बता दिया है। मोहसिन रजा से बात की हमारे सहयोगी संदीप खेर ने। तीन तलाक महिलाओं से संवाद के कार्यक्रम में आज मोहसिन रजा जी भी पहुंचे हैं, सर क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर? सर देखिए, मुझे लगता है कि जो बातें हमारे मुखिया ने रखी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखी हैं, ये अपने आप में सब कुछ कहती हैं, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया ही अपने मुंह से सब बयान कर जाए मीडिया के सामने तो अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बस ये है कि हमें ये पता है कि हम सबकी चिंता करते हैं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। आज इस मंच से हमने बता भी दिया, हमारी तमाम बहनों की समस्याओं को सुनकर और उनके बीच में जो आश्वासन और जो आदेश देना था माननीय मुख्यमंत्री दे गए, हम उनका साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज और खासकर मुस्लिम समाज की तमाम जो हमारी ट्रिपल तलाक की विक्टिम थी उनको बुलाकर उनको सम्मानित भी किया और उनकी समस्या का समाधान करने का वादा भी कर लिया। क्या लगता है पीओके पर सर क्या कहना है? जिस तरह राजनाथ सिंह का कहना यह है कि अब पीओके जो है वो भारत का हो जाना चाहिए, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो इस मुद्दे पर होगी। जाहिर सी बात है, कश्मीर तो हमारा था, हमने ले लिया, हमारे पास आ गया, हमारे कश्मीर के लोग हम हमसे जुड़ गए। और पीओके के जहां तक पीओके की बात है, पीओके हमेशा से एक विवाद ये रहा है कि हमारा हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो हम उसको भी ले लेंगे, क्योंकि जब कश्मीर हमारा है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या चीज होती है, वो कश्मीर का पार्ट है, उसको उसमें मिलना है। आखिरी में आपसे सवाल एक पूछना चाहेंगे सर, चिन्मयानंद के आरोप लगाने वाली लड़की को सर आज गिरफ्तार किया गया है, सर क्या कहना है सर? देखिए, ये उसमें न्यायालय काम कर रहा है, जो न्यायालय के मामले चले जाते हैं न्यायालय में, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। ठीक है, तो हमारे साथ थे मोहसिन रजा जी, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि पीओके को लेके लगातार बात चल रही है, पीओके भारत का है, वो भारत का ही हो जाना चाहिए। वहीं चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली पीड़िता की गिरफ्तारी पर इनका कहना यह है कि ये न्यायालय का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।